फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन जो आपके मध्य प्रदेश दहेत एग्ज़ाम के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स में आए हुए थे, और ये टॉपिक्स और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको पता है जनरल स्टडीज़ के आपके 3 सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर सब टॉपिक्स, तो वो हैं आपके एमपीजी के और कंप्यूटर, और आपका इसमें एक रहेगा जनरल साइंस। तो इन तीनों टॉपिक से मिला के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं वो, तो जो जनरल स्टडी का पोर्शन है 20 क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको रैंक बनानी है, अच्छा मतलब स्कोर करना है, तो अच्छे कॉलेज वगैरह के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो आपको जो नॉन टेक का पोर्शन है वो भी कंप्लीट करना होगा। 11th 12th में आप लोग टेक्निकल पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कर लेते हैं, लेकिन जनरल स्टडी का नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हों, आप लोग कैसे इसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है जनरल स्टडी का, वो आपका है कि इन मध्य प्रदेश द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन ब्लैंक। मध्य प्रदेश में जो फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है। तो आपकी ये जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है फॉरेंसिक लैब, वो आपकी मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर इसमें नहीं है। जो फॉरेंसिक लैब है, विज्ञान प्रयोगशाला, ये आपको याद रखना है कि सागर में है। ठीक है, और भोपाल में तो आपकी ताल झील वगैरह है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भोपाल में आपका क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका जो भोपाल में स्थित है। ग्वालियर में तो आपका और भी प्लेसेस हैं ग्वालियर में, जो आपका मतलब ग्वालियर में एक किला है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये लोग जो हैं, इन लोगों का वो ग्वालियर किला के नाम से फेमस है वहाँ पे। ठीक है ना, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से। और ग्वालियर में एक मतलब जू भी है देखने लायक, और ये जबलपुर है, जबलपुर में आपका भेड़ा घाट वगैरह है जबलपुर में, और धुआंधार जलप्रपात यहीं जबलपुर में आपका है। ठीक है, और कुछ मंदिर वगैरह भी हैं यहाँ जबलपुर में आपके देखने लायक। ठीक है, तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है ये चारों ही इनमें से हैं, और मतलब 3 है, सागर भी है कुछ चीज़ें। जो फॉरेंसिक प्रयोगशाला है वो आपकी मध्य प्रदेश की सागर जिले में स्थित है, जबकि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब जो सेकेंड है वो है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड पहल प्रोग्राम फॉर राइजिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड। भारत में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 में से आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए जो पहल प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इंडिया में लॉन्च की है पहल प्रोग्राम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एमपीजी के से हट के ये क्वेश्चन जो आपका है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो इस टाइप के भी 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं, बाकी मोस्टली आपके मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड आते हैं। तो आप लोगों को जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर वो एमपी से हटकर भी थोड़ा सा पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो करंट अफेयर की मैंने बुक्स वगैरह बताई हुई थी कि मार्केट से कोई भी आप जो करंट अफेयर का है 1-2 साल का, जैसे 2020 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप 2020 और 19 वाला इस टाइप से 1-2 साल वाला जो करंट अफेयर है उसको परचेज कर सकते हैं। पतली सी कोई भी बुक जिसमें मेन पॉइंट्स हों बस, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थडे सेलिब्रेटेड एज। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ये हमें पता है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनका जन्मदिवस टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रंस दिवस जो बाल दिवस होता है वो आपका किसके रूप में मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के रूप में। ठीक है, अब जो एनवायरमेंट डे है, पर्यावरण दिवस, वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, और फिलोसफर दार्शनिक दिवस भी आपका मनाया जाता है। ठीक है, एक दिन अब इस टाइप से आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, अब जो 4th नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो पहले आपके उपाध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो आपके एम ए अयंगर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन एम ए यानगर। ठीक है, आपके कौन है लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये इसमें आपके देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जनरल मतलब करेंट से ही रिलेटेड है, और मतलब कि ये जीके का है आपका, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो 5th क्वेश्चन है वो आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इज लोकेटेड एट। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी आपकी कहाँ पर स्थित है। तो ये जो अकेडमी है ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है,
हैदराबाद में स्थित है। ये आपका देखिए, ये भी अपना एमपी से रिलेटेड नहीं है, ये हैदराबाद आपका मतलब ये जो हैदराबाद है आपका वो आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। और ये भोपाल, जयपुर और मैसूर यहाँ पे दिया होता है, तो ये भी आपको मतलब याद रखना है कि जो इसमें करंट अफेयर है वो मध्य प्रदेश का तो पूछता ही है और साथ में मध्य प्रदेश से बाहर का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, में से कौन भारत का लौह पुरुष, तो भारत का लौह पुरुष सभी को पता है कौन है भारत के लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ना गोविंद वल्लभ पंत है, ना बी आर अम्बेडकर है, ना गोपाल कृष्ण गोखले लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है आयरन मैन के नाम से, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू भी बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, यहाँ पे 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी ये, आपकी 31 अक्टूबर 2018 को मतलब इसका ओपनिंग हुआ था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है वो आपके गुजरात के पास में है, ठीक है, गुजरात में ही है, ठीक, गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास में, ठीक है। तो अब जो 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, जो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो भारत में जो पहली महिला थी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वो आपकी कौन सी थी, लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ कौन थी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इन इंडिया, इंडिया की हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस लीला सेठ, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, जैसे श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, जो सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका है खंडवा में, खंडवा में आपका सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश के से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपका जैसे 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पैच नेशनल पार्क लोकेटेड, तो पैच नेशनल पार्क आपका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी इसका मतलब नाम रख गया है, पहले पेंच राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्था, अब इंदिरा गांधी पैच राष्ट्रीय उद्यान या पैच नेशनल पार्क इसका नाम अभी पड़ा हुआ है काफ़ी सालों से भी। तो अगर वो इसका दूसरा नाम भी पूछे कि इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी आपका यही मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और वही पेंच राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है। अब जैसे 10th नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये है आपका, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन दिल्ली अंडर द टेम्परेरी चेयरमैनशिप ऑफ ब्लैंक, मतलब भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, उसकी जो अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी किसकी, नई दिल्ली में किसकी मतलब अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब 11th नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन ब्लैंक एवरी ईयर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो आपको पता है 25 जनवरी को आपका हर साल राष्ट्रीय मतलब नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये सब आपको जो डेज वगैरह है वो भी याद रखने हैं। अभी देखिए इसमें दो पूछ लिए है ना, एक उनका जो राधा कृष्ण का जन्म दिवस पूछ लिया था, वो भी आपका पता है ना 5 सितंबर को अपना मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में, और ये पूछ लिया अभी कि ये आपका वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो इस टाइप से डेज से भी आपको पूछ सकता है, तो वो भी आपको याद रखने है। ये आपका जैसे बेतवा फेस्टिवल समारोह इज हेल्ड इन, बेतवा त्यौहार या समारोह में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है बेतवा समारोह, तो आपका विदिशा में आयोजित किया जाता है आपका बेतवा फेस्टिवल या समारोह, ठीक है, बेतवा फेस्टिवल, क्योंकि जो बेतवा नदी है ये बेतवा नदी आपकी कहाँ पे है, विदिशा में है, तो बेतवा नदी के किनारे ये बेतवा फेस्टिवल या बेतवा त्यौहार मनाया जाता है, तो जो बेतवा है वो विदिशा में है, इसलिए बेतवा जो फेस्टिवल मनाया जाएगा वो आपका विदिशा में मनाया जाएगा, ठीक है। अब आपका जो आता है 13th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज लक्ष्मी रानी मांझी एसोसिएटेड विथ, लक्ष्मी रानी मांझी निम्न में से किस खेल से जुड़ी हैं, तो ये आपकी आर्चरी या तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, जैसे ब्लैंक इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट इन सचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, वो सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति ब्लैंक है। सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कौन से भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे पहले किया था, तो वो आपके कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर का सबसे पहले दौरा किया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद विच कंट्रीज वीमेन बैडमिंटन टीम वॉन द ऊबर कप टूर्नामेंट इन 2016, किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने 2016 में ऊबर कप टूर्नामेंट जीता, तो चाइना
ने जीता। देखिए इन्होंने ये आपका जो है ये आपका देखो दूसरी कंट्रीज का भी पूछ लिया कि जो उगर कप टूर्नामेंट बैडमिंटन महिला बैडमिंटन टीम का उगर कप टूर्नामेंट था वो 2016 का जीता था तो चाइना ने जीता था। ठीक है तो ये आपका करंट से रिलेटेड है आपका। जैसे नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन जो नेशनल एंटी टेररिज्म डे है इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस है वो आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो आपको 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस। ठीक है कब मनाया जाता है 21 मई को हर साल राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है अब जो 2017 क्वेश्चन है आपका हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मतलब उस उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था। ठीक है आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड जो आपका है उसका जो प्राप्तकर्ता था वो कौन थे आपके चंद्रशेखर थे। ठीक है कौन थे उसके चंद्रशेखर थे जो पहला आपका उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था चंद्रशेखर को मिला था। जो 18 नंबर क्वेश्चन है जैसे उन्होंने कहा हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया वर्तमान में जो भारतीय आर्मी सेना का प्रमुख चीफ है वो कौन है तो कौन थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है अब जो ये आपका क्या था जनरल बिपिन रावत करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में भारतीय आर्मी सेना का प्रमुख चीफ कौन है तो आपके जनरल बिपिन रावत थे। और मतलब कि देखिए अभी लेकिन ये चेंज हो गए हैं जो करंट चीफ थे ये आपका क्वेश्चन जो है आपका 2017 एग्जाम पेपर का है तब आपके जनरल बिपिन रावत थे अब आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े हो गए हैं। ठीक है तो ये आपका भी चेंज हो गया है तो ये आपका करंट अफेयर का है तो ये चेंज होता रहता है तो ये आपको देखना है। ठीक है अब जो बने हैं वो जनरल मनोज मुकुंद मतलब कि मनोज मुकुंद नरवड़े बने हैं। ठीक है ये याद रखना है आपको कौन बने हैं मनोज मुकुंद नरवड़े। ठीक है अभी बने हैं ये आपका पुराना यहाँ पे था ओके इस टाइप से आपको करना है लेकिन जब के क्वेश्चन के हिसाब से यही था। ठीक अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई थी तो वो करी गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित करी गई थी। ठीक है 9 दिसंबर 1946 को। अब जो 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि इन मध्य प्रदेश एल्कॉइड फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन गाजीपुर एंड ब्लैंक मध्य प्रदेश में जो एल्कॉइड कारखाने हैं वो आपके ब्लैंक और गाजीपुर में स्थित हैं तो वो आपके नीमच और गाजीपुर में स्थित हैं आपके काय के कारखाने एल्कॉइड के। ठीक है इस टाइप से आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसी टाइप के आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में भी मतलब देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।